अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक बुजुर्ग की है। 72 साल इनकी उम्र है और इनकी सेहत देखें 100 साल से भी ज्यादा लग रही है। इनकी जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो गुफ्तगू सुनने के बाद बड़ी तकलीफ हुई और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करें, क्योंकि जिन लोगों ने इनके साथ ये काम किया वो भी मैं और आप जैसे ही है, इंसान ही है, लेकिन इंसान इंसान के लिए खून खार भेड़िए का काम कर रहे हैं। ये बुजुर्ग नवल्टी पुल शहर का नाम मुझे नहीं मालूम कौन से शहर से थे, उसके नजदीक कहीं फ्रूट बेचते हैं। और वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो मैंने देखी है आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं। अगर कोई इनको हेल्प आउट करना चाहे तो हेल्प भी कर सकता है। इनकी दास्तान सुनी तो दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। बुजुर्गों के 3 बेटे हुए जो के फौत हो गए किसी बीमारी की वजह से, एक बेटी है, एक बेगम है, एक खुद है। खुद की उम्र 72 साल हो चुकी है। और सबसे दुख की बात जो मैं आपको बताता हूं वो आपने जरूर सुनी है, वो आप और मैंने इनके साथ की है। अब घर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि बीवी, उसको शुगर हो गई है, शुगर के मरीजों की दवाइयां अच्छी खासी महंगी होती हैं, और बेगम की टांग भी एक कटवानी पड़ी शुगर की वजह से। एक बेटी है इनकी, अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे, उसको इज्जत दे और सेहत वाली जिंदगी दे। और ये बुजुर्ग फ्रूट बेचते हैं। जो बंदा इनकी वीडियो बना रहा था उसने इनसे पूछा कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो बड़ी सादगी से बोले पैसे मैं कहाँ कमा रहा हूँ, पैसे तो वो कमा रहे हैं जो मुझे देते हैं, मैं तो सिर्फ इतना कमाता हूँ कि मेरा घर का बिजली का बिल, राशन, और वो बड़ी मुश्किल से चलता है। जब उसने इनसे पूछा कि आपके घर किराए का है या अपना है, तो बुजुर्ग की आंखें नम सी हो गई और साथ ही बोले कि मेरा घर जो है वो किराए का है, 7,000 किराया घर का है, 4,000 बिजली का बिल आ जाता है और 2 से 2,500 गैस का बिल आ जाता है। अब ये तो वो खर्चे हैं जो बिल्कुल एक तरफ रख देंगे, जो देने ही देने हैं हर महीने, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद घर का राशन, घर के लोगों की तीमारदारी, और ये फ्रूट उसके रेडी के ऊपर साइकिल पे बेच रहा है, 2 फ्रूट है सिर्फ। एक होता ना बहुत बड़ा ठेला लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, सिर्फ 2 फ्रूट है उसकी रेडी के ऊपर जो कि वो सेल कर रहा है। और इंतहाई दुख की बात जो मैं आपसे करने चाह रहा हूं वो ये है कि 1976 के अंदर इस बुजुर्ग ने एफए किया था। 1976 जब ये कह लें कि तालीम एफए करने वाला आज के मास्टर्स के बराबर होगा, और वो कहते हैं कि मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिली कि मुझसे 5,000 रिश्वत मांगी गई थी, आज मुझे बहुत तकलीफ से बताना पड़ रहा है कि मुझे अगर नौकरी नहीं मिली तो रिश्वत ना देने की वजह से मिली, अगर रिश्वत दी होती 5,000 तो आज शायद मैं 50-60,000 पेंशन ले रहा होता। पाकिस्तानियों, हम किस तरफ चल रहे हैं? क्या कभी हम मैरिड को सिलेक्ट नहीं करते? ये जितने भी सिलेक्टर्स बच्चे हैं, कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने कहा यार वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ऐसी किसी के बारे में बात हो रही थी, उसने कहा ये पढ़े लिखे लोग ही तो जालिम है, गरीब में तो फिर भी एहसास है, गरीब तो किसी ना किसी तरीके से दूसरे का एहसास कर ही जाता है, अनपढ़ बंदा जो होता है वो एहसास कर जाता है, पढ़े लिखे लोग ही जालिम है। ये कहते हैं कि पहले हमारी जेब भरो फिर आगे चलो, तुम चाहे अपना गुर्दा बेचो, चाहे अपना दिल बेचो, चाहे टांग बेचो, कुछ भी बेचो, चाहे अपने घर बार को बेचो, हमारी जेब भरो फिर आगे चलो। बहुत दुख हुआ मुझे ये गुफ्तगू उनकी सुन के। अल्लाह पाक उनकी आसानियां फरमाए, और अगर आप में से कोई इनको जानता है तो इनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।